दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत लोगों के अनुभवों को लेकर के, उनके परेशानियों को लेकर के, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसीलिए ये बनाना ज़रूरी हो जाता था थोड़ा सा, क्यों लोगों को शमशान काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, खासकर गृहस्थ लोगों को। दोस्तों, हर कोई अपने आप को धुरंधर समझता है। 2-4 साल इस क्षेत्र में पूजा पाठ करने के बाद वो अपने आप को महारथी समझने लगता है। ऐसे लोगों से आप जानकारी ले लेते हैं जिनको इस क्षेत्र में कोई नॉलेज नहीं है। आपको मालूम है, इस क्षेत्र में 10-20 साल का अनुभव भी बहुत मामूली कहा जाता है। तो जिनकी उम्र ही 10-20, 25-30 साल हो, तो वो क्या अनुभव लेंगे इस क्षेत्र में, ये आपको सोचना, खुद सोचना चाहिए। आपको खुद इतना विवेक होना चाहिए। ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि आपने चलाया और ये बन गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये कंप्यूटर नहीं है और कंप्यूटर इसकी मुकाबला नहीं कर सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कई लोग परेशानी में आ गए और कईयों ने मैसेज भेजे कि गुरु जी, हमने ये साधना कर ली। पहले तो ये चीज़ मैं बताऊं कि अगर शमशान काली या कोई भी मंत्र कहीं से भी लेते हैं, कहीं से भी, तो आपको पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये इतनी तेज ज्वलनशील ऊर्जा है, इतनी तेज उग्र ऊर्जा है, उद्गत विद्या है, कि इस विद्या को आप ले करके इस सामान्य तरीके से नहीं चल सकते। गुस्सा आना स्वाभाविक है, घर में परेशानी होना स्वाभाविक है। ये आप तभी चल सकते हो जब आपके गुरु ने भी वो चीज़ें की हों और वो करा रहा हो या वो बता रहा हो। तो आप कहीं से भी लेकर के ये चीज़ कर देंगे तो आपके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे अनुभव अभी 2-3 महीने में लोगों के बहुत आए हैं। तो उन्होंने कहीं से दीक्षा वीक्षा ले करके और शमशानों में जा करके ये साधना कर ली और उनकी परेशानियाँ एकदम से आ गई जीवन में। नौकरी वगैरह छूट गई, सब चीज़ें बिगड़ गई, मतलब बाल बच्चों को परेशानी हो गई, फैमिली में परेशानी हो गई, सब चीज़ें खराब होने लग गई। तो मैं इसमें एक चीज़ राय देना चाहूँगा सब ज्ञानियों को, कि अपने ज्ञान को ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए, अपनी समझदारी को एकदम विस्फोट न करते हुए अपने दिमाग से सोचें। आप जो विद्या गुप्त रही सालों तक, जिसको लोगों को बताया नहीं गया, वो क्यों छुपाया गया है मालूम है? आप नेट के माध्यम से इतनी सारी चीज़ें खोल के जान लेते हैं, लेकिन आप कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत अलग होती हैं। और ये केवल आपकी नॉलेज के लिए होता है। आप ये चाहें कि इससे करके आप महासिद्ध बन जाएंगे, तो वो कतई नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हमें 30-40 साल मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझ जैसों को इस क्षेत्र में, ठीक है? क्योंकि मोबाइल भी 15 साल पहले ही आ गए थे, 20 साल पहले ही आ गए थे। आदमी ये समझता है इन चीज़ों में, इन विद्याओं में आदमी ये समझता है कि जो चुटकी बजाई जो सब कुछ हासिल हो जाता है, ऐसा नहीं है। 2-5 साल तो आपको इन चीज़ों को समझ मिलने में लग जाते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या हैं। अनुभव आपको लेके आते हैं। शमशान काली जब हम पूजा करते हैं तो हमें वैराग्य होना चाहिए मन में, हमारे मन में लालसा नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में हवस नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में काम वासना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शमशान काली सबसे पहले काम वासना जगाती है। मालूम आपको, महाकाली जब हम करते हैं तो सबसे पहले काम वासना जगाती है, हमारे विचार भ्रमित होते हैं। हमारे आप जितने भी यहाँ पर करने वाले हों, जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हों, उन सबको ये बात महसूस हो जाएगी जो मैं कह रहा हूँ, वो 100% सत्य है। हमारे विचार दिग्भ्रमित होते हैं, हम ज़्यादातर नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, हमारे मन में पॉजिटिव जो विचार थे पहले वो गायब हो जाते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं आती हैं और गंदी चीज़ें साधना के समय हमेशा चलती रहती हैं। तो ये चीज़ आपको बचनी होगी, इस चीज़ों से आपको समझना होगा, क्योंकि जब हम किसी विद्या को लेकर चलते हैं तो उसके हमें साइड इफ़ेक्ट भी मालूम होने चाहिए, तभी हम उसको लेकर चल सकते हैं। बहुत लोगों को परेशानी हुई है, किसी को रात में कुछ दिखना शुरू हो गया, दिग्भ्रम हो गया और उल्टा सीधा बोलने लग गए, जहाँ की जॉब करते हैं अपने आप ही अपनी नौकरी ख़राब कर ली, अपने धंधे ख़राब कर लिए, व्यापार ख़राब कर लिया, ग्राहकों से लड़ने लग गए, ये चीज़ें इसके बाद हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने माइंड पर काबू नहीं रख पाते। या तो आपके संग ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपके दिमाग को कैप्चर, मतलब सही कर दे उस चीज़ को खींच करके। महाकाली काली और शमशान काली में बहुत अंतर है दोस्तों, ये अंतर आपको कभी किसी दिन बताऊँगा, आप इस अंतर को समझिए। महाकाली चारों कालियों को लेकर चलती है, हाँ, महाकाली चारों कालियों को लेकर चलती है, और काली का रूप है शत्रुनाशिनी, और जो शमशान काली है वो हर विद्या में काम आती है, वो हर चीज़ पर चलाई जा सकती है। तो ये वो शमशान से चलती है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको समझनी होंगी। यदि आप किसी भ्रम में रह करके और कोई भी बड़ी साधना उठा के चमत्कार दिखा देंगे तो ये भ्रम में ना रही है, और ना इस भ्रम में रही है कि आप किसी भी चीज़ को करके आप चमत्कार दिखा सकते हैं या फिर
आदमी को एकदम भस्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप उन चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए, उन चीज़ों को मतलब आगे मत बढ़ाइए जो आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, क्योंकि वो लाइव का प्रभाव मेरे ऊपर या हम जैसे बताने वालों के ऊपर नहीं आएगा, वो आएगा आपके ऊपर जो आप कर रहे हैं। तो इसकी चीज़ को समझिए, मेरा फ़र्ज़ है आपको सही गाइडेंस देना, ठीक है। महाकाली की पूजा करिए, खूब दिक्कत नहीं है, घर में करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। महाकाली की छोटी सी तस्वीर लाइए, तस्वीर रखना कोई गुनाह नहीं है, और आराम से महाकाली का मंत्र करिए। लेकिन जो शमशान काली का जो भयंकर प्रयोग उग्र मंत्र है ना बेटा, ना तो नहीं करना, जय माता रानी के। मेरा फर्ज है आपको सही जानकारी देना, क्योंकि इतने लोगों के अनुभव आ चुके, इतने लोगों के अनुभव आ चुके इन दो महीनों में, कि मुझे लगा कि ये वीडियो बना के आपको डालनी चाहिए। क्योंकि आदमी क्या मामूली चीज़ समझने लग गया, यूँ ही कर लेता है जा करके। दोस्तों वो जमाने समझाने वाले और वो ज्ञानी अब नहीं रहे जो आपको खोल के बता देते थे हर चीज़, अब तो आपको केवल साधना पकड़ा दी जाएगी। बस समझिए आप बात को, जो मैं कहना चाहता हूँ। जय श्री राम।